इतने दिनों की छुट्टियों के बाद आए हैं। यार अगर सच बात बताऊं, अली भाई को ना कंटेंट मिलता नहीं है, वरना ना अली भाई उसी वक्त व्लॉग बना ले। तो इतने दिनों बाद आया है मेरा व्लॉग। लेकिन एक चलो मैंने माइक खरीद लिया है, लेकिन इस माइक में एक प्रॉब्लम है, खुर खुर जो आवाज़ें आती है ना, ये मुझे बड़ी बुरी लगती है। खैर आज के अपने कंटेंट पे चलते हैं, जो कि मेरे बड़े मतलब दिल के करीब है। लेकिन हर बच्चे का यही ख्वाब होता है कि उसको इंजॉय चाहिए। अब हमारा भी यही इंजॉय का वो है कि हम जा रहे हैं पिकनिक पर स्कूल वालों के साथ। कहाँ जा रहे हैं? सिंधबाद। तो इस बारे में ब्लॉग, बहुत से लोग कहते हैं यार तुम सिंधबाद क्यों जा रहे हो, कहीं और क्यों जा रहे हैं? अच्छी बात, कहीं मतलब कहीं अच्छे बाहर चले जाओ, कहीं अच्छी जगह चले जाओ। भाई जो स्कूल के साथ जो मज़ा है ना, भले वो सिंधबाद हो या सफारी पार्क हो, स्कूल के साथ जो मज़ा आता है ना, कहीं आता ही नहीं। स्कूल लाइफ इज़ बेस्ट। देखो सुबह तो पिकनिक पर जाना है और अभी सोना भी है थोड़ी देर पर, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, तो ना मेरे लिए थोड़ा कंजेस्टेड है, तो थोड़ा सा करना पड़ेगा ना। अच्छा चलो मैं आपको एक बात बता दूँ। अच्छा जब भी आप पिकनिक पे जाते हो, कहीं भी जाते हो स्कूल वालों के साथ या कहीं फैमिली के साथ, प्लान होता है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा मतलब प्लान पीछे से होता है कि हाँ भाई ये करेंगे वहाँ। मेरे इस बार तो खास तौर पर कुछ प्लान नहीं है, क्योंकि मैं आया स्कूल से, आज ही नोटिस मिला था, क्योंकि पिछले एक महीने से पिकनिक पोस्टपोन होकर आज हुई है। मतलब पिछला महीना पिकनिक पोस्टपोन हुई, फिर उसके बाद बीच में एक और अनाउंसमेंट हुई, उस पर नहीं हुई, फिर अब आकर हो रही है। तो मैं स्कूल से आया, तो अब मैं स्कूल से आया तो फिर मैं आया, खाना खाया, सो गया, और सोने के बाद मैं उठाऊँ अब थोड़ी देर पहले, एक घंटे पहले, तो कहाँ से बंदा प्लान करेगा? प्लान मेरे पास नहीं है। तो अभी रात के 11 बज रहे हैं, ओ भाई 11 बज रहे हैं, और मुझे अब वीडियो याद आ रही है, और सुबह जाना है तकरीबन 7:30 या 8 बजे मुझे जाना है, और व्लॉगिंग करियर नहीं छोड़ेंगे। फिर तकरीर कर लिए, तो अभी तकरीर के बाद अभी 11:30 हो रहे हैं, सोना भी है, सुबह जल्दी भी उठना है, पिकनिक पे भी जाना है, तो ना इसलिए ये बस एक दो मिनट ही बात करते हैं। तो अब डायरेक्ट मिलते हैं आपको सुबह उठकर। अभी 6:30 हो रहे हैं और मैं अभी उठा हूँ, तो अभी मुझे नमाज पढ़नी है, फिर तैयार होना है, फिर स्कूल। माफ करना है शीशा थोड़ा गंदा है, लेकिन मैं तैयार हो गया हूँ जाने के लिए, तो रेडी हो गया, अब जाएंगे स्कूल। सही है, आ जाओ। तो भाई मैं स्कूल पहुँच चुका हूँ, और अपने बॉयज इतने हैं नहीं ऐसे, मेरे पास सिर्फ अपना एक ही बॉय अब्दुल्ला, ये अपने स्कूल के हैं, कुछ पहले मतलब पहले कुछ ब्लॉग में आए हैं, है ना, सारे ब्लॉग देखेंगे, बाल सही कर लो वरना तौबा तौबा। यार देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अली भाई ने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ऐसा किया है कि आप देखो जरा, लेकिन इतना कुछ खास है नहीं। देखो कुछ खास था नहीं, लेकिन मेरे लिए अहम था। कंटिन्यू वीडियो। बस रेडी हो चुकी है, हम लोग बस में बैठ चुके हैं, शोर बहुत हो रहा है, अब निकल लियो जो मतलब बंद हो रहा है, शोर हो रहा है, चल लियो वो चल गई, चल गई। अभी तक सिर्फ दो झूले में बैठा हूँ, एक ड्रैगन है और एक वो है, तो और देखते हैं आगे।
आधे से ज्यादा झूठे खाकर आ गए। लेकिन बस अब लास्ट बंद हो रहा है। देखो यार, मैं आगे वीडियो इसलिए नहीं बना पाया, एक तो टाइम ख़त्म हो गया था, ऊपर से मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो खैर, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। खैर, स्टे ट्यून, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यार